नमस्कार, हम तीन एंकर्स के साथ हमारी खास पेशकश 3@3 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं नेहा बाथर, मेरी सहयोगी मीनाक्षी कनवाल और श्वेता झा भी मौजूद हैं। और एक बार फिर से हम हाजिर हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कैसे चीन की जालसाजी और चालबाजी नेपाल को बरगलाने और LAC पर हंगामे के साथ जारी है, लेकिन भारत के पास है ड्रैगन के हर जाल का जवाब। श्वेता, बिल्कुल सही कहा है आपने। आपको बता दें कि चीन की चालबाजी के साथ ही हमारी नजर होगी नेपाल के नए नाटक पर भी, क्योंकि चीन के चक्कर में, चीन की वजह से नेपाल पहले अपना नक्शा उसने बदल डाला और अब भगवान राम के मंदिर को लेकर झूठे और उल्टे दावे कर रहा है। नेपाली प्रधानमंत्री ने फिर से दावा किया है कि राम का जन्म नेपाल में हुआ था, लेकिन उनके दावों की पोल खोलती एक रिपोर्ट सामने आई है, वो हम आपको दिखाएंगे मीनाक्षी। बिल्कुल, और शुरुआत हम लेकिन बुलेटिन की करते हैं उस खबर के साथ जिस पर सारे देश की नजर है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक सियासत इस वक्त गर्म है। सुशांत केस में जांच भी तेज हो गई है, ED लगातार पूछताछ कर रही है और अब CBI ने भी इस मामले में मोर्चा संभाल लिया है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सुशांत मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। तो जांच का दायरा यह लगातार बढ़ता हुआ, क्योंकि इस मामले में आज फिर रिया चक्रवर्ती पेश हुई हैं ईडी के सामने। पहले से ही लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं और अब सीबीआई ने भी तफ्तीश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आज सीबीआई सुशांत के पिता के सिंह का बयान दर्ज करेगी। वो अभी फरीदाबाद में रुके हैं, सीबीआई की टीम वहां पर पूछताछ कर सकती है। तो दूसरी तरफ ईडी की लगातार पूछताछ चल रही है और सुबह करीब 11 बजे से रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। मुंबई के ईडी दफ्तर में सभी पहुंचे हैं, इनमें सबसे अहम लेकिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। कहां गए सुशांत के 15 करोड़? सुशांत के अकाउंट के खर्च का सच क्या है? छोटी सी कमाई में महंगी प्रॉपर्टी कैसे खरीदी? और ऐसे ढेर सारे सवाल जो रिया से जानना चाहती है ईडी, लेकिन मानो वो बोलने को तैयार नहीं, सच बताने को राजी नहीं। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ही असली राजदार है, क्योंकि सुसाइड के एक हफ्ता पहले तक रिया सुशांत के साथ रही, उसके फ्लैट में मौजूद थी। सुशांत ने जो भी किया वो उसमें हिस्सेदार रही। सुशांत की कंपनी में रिया खुद और उसका भाई शौविक डायरेक्टर भी थे, लेकिन अब भाई बहन हर बातों से अनजान हो रहे हैं। कितनी कमाई हुई, कितना खर्च हुआ, कितने कितने पैसे लिए, इन सवालों का जवाब ना तो रिया बता रही है ना उसका भाई शौविक। लिहाजा ईडी के सवालों की लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है। पहली दफा शुक्रवार को रिया से 8 घंटे तक पूछताछ हुई, शौविक से भी रविवार को सुबह तक करीब 18 घंटे सवाल जवाब हुए, लेकिन ईडी दोनों के जवाबों से संतुष्ट नहीं। ऐसे में कुछ नए सवालों के साथ दोबारा पूछताछ चल रही है। ईडी जानना चाहती है सुशांत के पिछले 1 साल के निवेश के बारे में आप क्या जानती हैं, क्या उस इन्वेस्टमेंट में आप या आपके परिवार का कोई नॉमिनी है, आपके 2 बैंक अकाउंट में अचानक बड़ी रकम कहां से आई, प्रूफ दीजिए, खार वाली प्रॉपर्टी के लिए आपके पास पैसे कहां से आए, प्रूफ दीजिए, 2 साल में आपने क्या क्या निवेश किए हैं, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके लिए पैसे कहां से आए, क्या आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सुशांत ने पैसे दिए, सुशांत की जिन 2 कंपनियों में आप या शौविक डायरेक्टर हैं उन्हें शुरू करने का मकसद क्या था, दोनों कंपनियों की बोर्ड की आखिरी मीटिंग सुशांत के साथ कब हुई थी, दोनों कंपनियों ने अब तक क्या क्या बिजनेस किया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आज रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि ईडू के सूत्रों के मुताबिक रिया को फिर से बुलाया गया है, सारे बिल्स डॉक्यूमेंट्स के साथ बुलाया गया है, ताकि जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उस दौरान जो भी खर्च हुआ वो खर्च कैसे हुआ, किन चीजों पर हुआ, ये पता लगाया जा सके। रिया की मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। ईडी ने शौविक, सुशांत के CA संदीप श्रीधर, रिया के CA रितेश शाह और अन्य जितने भी लोगों से पूछताछ की है उनके बयानों पर भी रिया से सफाई मांगने वाली है। यानी रिया अब बहानेबाजी कर बच नहीं सकती। सुशांत ने 3 कंपनियां बनाई थी,
उनमें से दो कंपनियों में रिया और उसका भाई शौविक डायरेक्टर थे। एक कंपनी है वी विदरेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी कंपनी है फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन। लेकिन ईडी के सवालों पर रिया और शौविक नादान बन जाते हैं। शौविक ने 18 घंटे की पूछताछ में कह दिया था कि कंपनी के बारे में जानकारी रिया के पास हो सकती है, लेकिन रिया तो अलग ही राग अलाप रही है। वो खुद भी अनजान बन रही है, लेकिन ईडी के सूत्र बताते हैं कि रिया के आय से जुड़े कागजात और बैंक अकाउंट के डिटेल्स कई शक पैदा करते हैं। जहां एक तरफ ईडी के कई सवालों का जवाब देने में रिया चक्रवर्ती असफल रही, तो वहीं ईडी ने न सिर्फ रिया चक्रवर्ती का सामना दस्तावेजों से कराया, बल्कि उनके भाई शौविक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा के बयानों से भी कराया। लेकिन क्या ईडी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझा पाएगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। कैमरामैन संजय और मुंबई से दिवेश सिंह के साथ मुनीष पांडे, दिल्ली आज तक। रिया के साथ साथ उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और सुशांत के सुसाइड के समय फ्लैट में मौजूद रहे सिद्धार्थ पिठानी से भी इस वक्त मुंबई के ईडी दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, और आपको हम बता दें कि सुशांत सुसाइड केस में एजेंसियों की तफ्तीश के बीच सियासी घमासान भी छिड़ गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने तो सुशांत के परिवार पर ही आरोप लगा दिया है। संजय राउत के बयानों को लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उन पर निशाना साधा है। निरुपम ने कहा है कि शिवसेना को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ना कि तुच्छापन करना चाहिए। सुशांत सुसाइड मामले में इंसाफ की लड़ाई सियासी अखाड़े में पहुंच गई है। इस शानदार अभिनेता की मौत कैसे हुई, किन हालात में हुई, आखिर इस मौत के पीछे कौन है, इन सवालों के जवाब अभी तलाशे ही जा रहे हैं कि शिवसेना नेता संजय राउत जांच की आड़ में सियासी रोटियां सेकने लगे। सवाल उठाते उठाते सारी मर्यादाएं भूल गए। संजय राउत ने सुशांत और उनके पिता के बीच के रिश्ते को मुद्दा बना दिया। उनके फैमिली में क्या चल रहा था, वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में, आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सच, वो सच आप सामने आएगा। इसी डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है, अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर दे। शिवसेना नेता संजय राउत ने इस मामले में नया रुख दे दिया है। सुशांत की मौत के गुत्थे सुलझाने की बात करने की जगह शिवसेना नेता उनके चरित्र की हत्या करने लगे। मर्यादा को तार तार करते हुए सुशांत के पिता के बारे में अनाप शनाप बोलने लगे, जिसका जवाब सुशांत के चाचा ने दिया। ऐसा आरोप लग रहा है कि के.के. सिंह की दो शादी है। हाँ, हमारे बड़े भाई की दो शादी है, सबसे बड़े भाई की है। और कृष्ण किशोर सिंह, जिनको के.के. सिंह कहते हैं, उनकी एक ही शादी है। ये सब लंछना लगाया जा रहा है ताकि जांच को प्रभावित किया जाए। संजय राउत के बयान से सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू भी खफा है। वो राउत को कोर्ट में घसीट कर मानहानि का केस करेंगे। और इस तरह का हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए, उनको तो शर्म आना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। इतना मैंने आघात पहुंचाने वाला बयान, जहां करोड़ों फैंस उनको सड़ा रहे हैं, उनके पिताजी को, एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का मैंने शर्मनाक आरोप लगाना, ये काफी निंदनीय है। और जरूरत पड़े तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राउत जी पर। शिवसेना के मुखपत्र सामना के जरिए संजय राउत ने सुशांत की निजी जिंदगी में ताक झांक की। जो मन में आया वो लिख दिया, और इससे भी जी नहीं भरा तो बयानबाजी भी की। साथ ही सियासत का सिक्का उछालकर उद्धव सरकार को गिराने का संगीन आरोप लगा दिया। जिस प्रकार की राजनीति बिहार की सरकार और दिल्ली में हो रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। मैं मानता हूं कि मुंबई की पुलिस एक सक्षम पुलिस दल है, बहुत से बड़े बड़े ऐसे अपराधों का
जांच मुंबई पुलिस ने की है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से। बिहार सरकार में जो मुकदमा दर्ज हुआ उनके पिता के अनुरोध पर वह भारतीय दंड संहिता की धारा 156(2) के अनुकूल हुआ है। ये ज्ञान की भूमि है बिहार, कानून मत पढ़ाइए बिहार को। अरे बिहार में तो ज्ञान की धरती रही है। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में जांच एजेंसियां अपने अपने हिसाब से पूछताछ कर रही हैं, लेकिन सियासी बयानबाजी ने सारी हदें लांघ दी हैं। ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं ये मामला सियासत की भेंट न चढ़ जाए और इंसाफ के लिए लंबा इंतजार न करना पड़ जाए। सहरसा से धीरज सिंह, पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। और इन्वेस्टिगेशन के बीच सुशांत सिंह राजपूत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पूजा करते हुए श्वेता दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और इस पूजा में आपको बता दें कि पूरा परिवार उनका मौजूद है, उनकी बहन, उनका जीजा, तमाम लोग मौजूद है। बताया जा रहा है कि ये जो वीडियो सामने आया है ये अप्रैल 2019 का है और इसका आयोजन सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट में हुआ था। नेहा, बिल्कुल, और ये जब वीडियो सामने आया तो पुजारी से भी हमने बातचीत की और उनसे ये जानने की कोशिश की दरअसल कौन सी वजह थी जिनकी, जिसके लिए ये पूजा कराई गई, कौन कौन इस आयोजन में शामिल था। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। भगवान शिव के भजन गाए जा रहे हैं। भजन मंडली के साथ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भी भजन गाते हुए भक्ति से भाव विभोर नजर आ रहे हैं। गणपति पापा की भी आराधना हो रही है। हाथ जोड़े सुशांत भी अष्ट विनायक की भक्ति में लीन भजन गा रहे हैं। पूरा माहौल वैसे ही है जैसे आम घरों में पूजा के दौरान होता है। सफेद धोती में सुशांत पूजा पर बैठे हैं। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका और जीजा जी हैं। अप्रैल 2019 का ये वीडियो बता रहा है कि तब तक सुशांत की जिंदगी में रिश्तों का भूचाल नहीं आया था। आज तक ने पूजा कराने वाले पंडित से बात की। हमने ये भी जानना चाहा कि क्या उस पूजा में रिया चक्रवर्ती मौजूद थी। कितने लोग पूजा करने गए थे और कितने लोग शामिल हुए थे? टोटल इसमें 13 पंडित जी थे, है ना? सुशांत की बहन और सुशांत के जीजा जी, सुशांत जी के। आपको नाम ध्यान होगा कौन सी बहन थी? उनका नाम नहीं होगा, नाम मुझे पता नहीं है ना कौन सी बहन। अच्छा, आप वीडियो जो डाला है उसमें आप देख के पहचान सकते हैं। अच्छा, आप कब गए थे पूजा करवाने, कौन से साल में गए थे? ये 2019 में अप्रैल का टाइम पे। अच्छा, वहाँ पे तब रिया या कोई और लड़की भी थी? रिया कौन क्या, हम कुछ जानते नहीं है। ये वीडियो बांद्रा वाले उसी घर का है जहां सुशांत की मौत हुई। पूजा कराने के लिए नासिक के त्र्यंबकेश्वर से 13 पंडित आए थे जिन्होंने रुद्राभिषेक कराया था। वीडियो में रिया कहीं नजर नहीं आ रही है। सुशांत की बहन प्रियंका और उनके बहनोई के अलावा कुछ करीबी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। पंडित की माने तो पूजा वाले दिन सुशांत बहुत खुश दिख रहे थे। उन्होंने पूरे मनोयोग से पूजा की, पंडितों की आवभगत की, तनाव या परेशानी कहीं से भी नहीं दिख रही थी। तो कैसी रही पूजा और जब सुशांत से आपकी मुलाकात हुई तो क्या बातें हुई? बातें कुछ नहीं हुई, उन्होंने पूजा के बीच में किसी प्रकार की हम लोग कोई बातें नहीं करते। सो आप जब सुशांत से मिले तो आपको कैसा महसूस हुआ, मतलब कैसा इंसान लगा आपको? बहुत बहुत ही खुश मिजाज इंसान, बहुत बोलते ना कि विश्वास नहीं होता कि वो इंसान ऐसा कर सकता है ना। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपको विश्वास क्यों नहीं होता, मतलब क्या उसका कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जब हमने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा है ना, क्योंकि जब हम लोग पूजा करने गए थे उनके यहाँ है ना, तब हमें पता नहीं था कि वो सुशांत जी के यहाँ जा रहे हैं, है ना। इतना पता था कि वो सुशांत जी के हैं, है ना। अच्छा, वहाँ जाने के बाद पता चला। दूसरी बात, मतलब पूजा में बढ़िया मन प्रसन्न हो गए, है ना, बढ़िया मन प्रसन्न होकर हंसते खेलते वो पूजा कर रहे थे, है ना, जिसके कारण हमको ऐसा लगा। कैसी विडंबना है,
साल भर पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक एक उभरते सितारे की जिंदगी में तूफान आया और वो सितारा रहस्यमय तरीके से गुम हो गया, अपने पीछे छोड़ गया कई रहस्यमय सवाल। श्रुति बरजात्या, मुंबई, आज तक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को राम मंदिर के भूमि पूजन पर बधाई देना महंगा पड़ गया है। वो कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। हसीन जहां का ये कहना था कि उनको जान से मारने और रेप की धमकियां दी जा रही हैं। हसीन जहां ने अयोध्या में राम मंदिर पर भूमि पूजन पर दी बधाई, लेकिन ये बात कई लोगों को रास नहीं आई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हसीन जहां की। आखिरकार क्या हुआ, क्यों ट्रोल कर दिया और किस तरह की धमकियां आ रही हैं? बाबा देखिए, जैसे हमारे समाज में, जैसा हमारा भारत का कल्चर है, हम सारे मतलब हमारे समाज में कई सारे धर्म के लोग रहते हैं और सब एक दूसरे के फेस्टिवल में, त्यौहार में एक दूसरे को हम लोग विश करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उसी तरीके से एक राम मंदिर का स्थापना होना, इतने सालों से एक केस चलने के बाद एक राम मंदिर का स्थापना होना हिंदू समाज के लिए ये बहुत मतलब एक क्या कहते हैं, एक आस्था की बात थी, एक बहुत आनंद की बात थी। तो उसी मेरे फ्रेंड सर्कल में सब लोग इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि हम इसी समाज में रहते हैं तो इसी समाज के लोगों को शुभकामनाएं तो दे जा ही सकती है। तो मैंने भी एक पोस्टर बनाया जिसमें मैंने राम मंदिर की शुभकामनाएं दी और मैंने ये भी दुआ की है साथ में कि हम सब समाज के सारे लोगों को इकट्ठा होकर दुनिया का विश्व शक्ति बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसी बात पे जो कुछ कट्टरपंथी लोग, मीन माइंडेड लोग, असामाजिक लोग हैं जो हमारे भारत देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, जो शांत भारत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन लोगों ने मुझे गंदे तरीके से कमेंट किया मेरे पोस्टर पर और मुझे बहुत अभद्र लैंग्वेज का यूज़ किया इन लोगों ने, मुझे यहाँ तक कि रेप करने की धमकी, जान से मारने तक की धमकी मुझे दी। ये बातें मुझे बिल्कुल नागवारा लगा क्योंकि मैं एक फ्रीडम कंट्री में रहती हूँ, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरी भी आनंद है, मेरी भी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, इसलिए मैंने विश किया। तो ये बातचीत आप देख रहे थे हसीन जहां के साथ, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है सचिन पायलट को लेकर। सचिन पायलट जो कि लगातार हरियाणा में डेरा डाले बैठे थे, उनकी मुलाकात हुई है गांधी परिवार के 3 अहम सदस्यों से, यानी राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की है। ये भी कहा जा रहा है कि मुलाकात सकारात्मक रूप में हुई, लेकिन ये मुलाकात जिस टाइम पर हुई है, जिस समय पर हुई है, ये बहुत अहम है अगर आप इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और सचिन पायलट खेमे से यह कहा जा रहा था कि उनके विधायक भी उस सत्र में हिस्सा लेंगे। आप देख ही रहे हैं बीते दिनों से राजस्थान में जो लगातार संकट की स्थिति बनी हुई है, अशोक गहलोत खेमा जैसलमेर में मौजूद है, सचिन पायलट खेमा हरियाणा में मौजूद है, और ऐसे समय में ये मुलाकात राहुल गांधी से होना बड़े संकेत लेकर आती है। तीनों के बीच ये सकारात्मक मुलाकात हुई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, और ये मुलाकात अभी भी जारी है। हालांकि आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि आज ही के दिन में सुबह ये खबर आ रही थी कि अविनाश पांडे जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं, वो ये कह रहे थे कि अब आला कमान को कन्विंस नहीं किया जाएगा, लेकिन अब आज दोपहर के समय में ये अहम बैठक हो जाती है। तो ये देखिए कि अंदर खाने बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, विकल्प तलाशे जा रहे हैं कि क्या बेहतर सूरत हो सकती है जिसके मद्देनजर सचिन पायलट वापसी करें, लेकिन ये बातचीत किस दिशा में जाती है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास ये शुरुआती खबर आ रही है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से अहम मुलाकात सचिन पायलट की हो रही है। और देखिए नेहा, यहाँ पर ये भी दिलचस्प है देखना, इससे पहले भी लगातार ये कहा जा रहा था क्योंकि सचिन पायलट बहुत करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी के, लेकिन बातचीत का चैनल किस दिशा में जा रहा है इसे लेकर अलग अलग तरह के कयास लग रहे थे, लेकिन मुलाकात होना, अब देखना यह होगा कि क्या वाकई ये राजस्थान के लिए कोई अच्छी खबर लेकर आता है या नहीं। राजस्थान के जोधपुर में पाकिस्तान से आए 11 हिंदू शरणार्थियों की मौत का रहस्य गहरा गया है। इन सभी को जहर का इंजेक्शन देकर मारे जाने की आशंका है। आज तक संवाददाता शरद कुमार मामले का सच जानने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे, देखिए उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। जोधपुर
ये वही खेत है, ये वही झोपड़ियां हैं, जहां के साए में 12 सदस्यों का एक परिवार कल तक उम्मीद भरी जिंदगी की मुराद मांग रहा था। ये परिवार पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू परिवार था, लेकिन आज 12 में से 11 सदस्यों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के जोधपुर में देचू थाना के लोड़ता गांव में ये वारदात हुई है। यहां पर जिनके शव मिले हैं उनमें 75 साल के बुद्धाराम, उनकी पत्नी अंतरा देवी, 31 साल का बेटा रवि, बेटियां 40 साल की लक्ष्मी, 25 साल की जिया और 22 साल की सुमन, पौत्र 17 साल का मुक्तस और 12 साल की नयन के अलावा बुद्धाराम के जिंदा बचे बेटे केवल राम के 3 नाबालिग बच्चे शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि इन लोगों को जहर का इंजेक्शन देकर मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। जोधपुर जिले में देचू के अचलावता गांव में यहां पर 11 लोगों की मौत हुई है। सुबह जब एक व्यक्ति इस परिवार का जिंदा रह गया, 12 लोग थे इस परिवार में, एक व्यक्ति यह कहना है कि यहां से करीब 500 मीटर दूर वो दूध निकालने गया था और दूध निकालते वक्त उस टीले पर सो गया था। उसके बाद जब वो सुबह आया तो यहाँ देखा कि 11 लोगों की लाशें पड़ी हुई है। इस तरह से देखा जा सकता है कि खेत का किस तरह से इलाका है जहाँ पर पुलिसकर्मी हमें जांच के लिए आए हैं। और जो कुछ अब तक पता चल पाया उसमें कहा जा रहा है कि पारिवारिक दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि इंजेक्शन मिले हैं यहाँ पर, उसको इंजेक्ट किया गया है जहरीला, और उसके अलावा कई जो है कीटनाशक भी मिले हैं। तो जोधपुर में मौत के मुंह में समा गया पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवार 2015 में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आया था और उम्मीद कर रहा था कि सीएए जैसा कानून पास होने के बाद उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। जोधपुर में जहां इनकी लाश मिली वहां पर ये हाल फिलहाल में ही रहने आए थे। पाकिस्तान के भील समुदाय से ताल्लुक रखने वाला ये परिवार पढ़ा लिखा था। बुद्धाराम परिवार की 2 बेटियां पाकिस्तान में नर्स का कोर्स करके आई थी। मृतक बुद्धाराम का एक बेटा भारत में नागरिकता न मिलने से निराश होकर वापस पाकिस्तान लौट चुका है। तो उधर जिंदा बच गए बुद्धाराम के बेटे केवल राम के मुताबिक उनका जोधपुर में रह रहे ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था और ससुराल पक्ष ने जिंदा मार देने की धमकी दी थी। बुद्धाराम के 2 बेटों और 2 बेटियों की शादी जोधपुर में रह रहे इसी परिवार में आपस में हुई थी। मेरी पत्नी ने यह बोला था और मेरे ससुर ने, सालू ने और संजू ने, तो इस परिवार को भारत में छोड़ना नहीं है तो छोड़ना। बहुत संभव है कि यह मामला निजी रंजिश का हो, लेकिन शरणार्थी पाकिस्तानी हिंदुओं का मामला होने की वजह से इसे बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। परिवार में गरीबी और उनके तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े होने की बात भी सामने आई। कानपुर में एक दिन में 15 मरीजों की कोरोना से जान चली गई। मृतकों में जल संसाधन के इंजीनियर भी शामिल थे और उनकी मौत के बाद उनकी बेटी और परिजनों ने जमकर बवाल किया। डीएम के पैर पड़ती कानपुर की एक बेटी। जब मैंने कहा कि डीएम साहब को क्या मेरी इज्जत बचाने से ज्यादा बिजी है क्या, तब जाके डीएम साहब मुझसे बात कर रहे हैं। व्यवस्था की पोल खोलता भाई। यहाँ पे जिसका सोर्स है, जिसका पौआ है, जिसका जो काम है वो काम हो, जिसका सोर्स नहीं उसका कुछ नहीं है। कोरोना से जंग में कानपुर पस्त। एक दिन में 15 मरीजों की मौत। अपने इंजीनियर पिता की मौत पर बदहवास ये बेटी कानपुर के डीएम ब्रह्मदत्त तिवारी के पैर पड़ रही है। बेटी का आरोप है कि उनके पिता के इलाज में घोर लापरवाही की गई, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ी और फिर वक्त पर वेंटिलेटर नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई। रिकॉर्डिंग है, जब मैंने कहा कि डीएम साहब को क्या मेरी इज्जत बचाने से ज्यादा बिजी है क्या, तब जाके डीएम साहब मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ, आप जैसे डीएम को आप पता करिए, मसूरी में मैं ट्रेनिंग। इनके पिता राजीव दुबे जल संस्थान में इंजीनियर थे। पहले उनके जीएम को कोरोना हुआ, फिर उनसे कई कर्मचारियों को, उन्हीं में से एक उनके पिता थे। लेकिन बेटी का आरोप है कि जीएम साहब को इलाज की बढ़िया सुविधा मिली, लेकिन उनके पिता के इलाज में व्यवस्था आड़े आ गई। जीएम साहब जो थे वो कोरोना अपना सर्कुलेट कर गए 150 लोगों में। आप पानी के इनके सर्वोदय नगर देख के आइए, वहाँ पूरा कोरोना पेशेंट है। वहीं मेरे पापा रहते थे, वो भी कोरोना हो गए, उनको भी कोरोना हो गया। ठीक है, जीएम साहब तो कोरोना पेशेंट थे,
जीएम थे इसलिए उनका इलाज अच्छा हो गया। अरे जल संस्थान से, लेकिन जो जीएम साहब थे, जो जीएम साहब ने तो हाइजीन और प्रोटोकॉल फॉलो करने नहीं थे, वो सारे जो गरीब लोग थे उनको दे गए, उसी मेरे पापा आ गए। अब पापा को था तो मेरी माँ को हुआ, मेरे भाइयों को हुआ, ठीक है, प्रॉब्लम ये हुआ। और सबसे बड़ी चीज, मेरे को डीएम साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास वो किसी एक के पिता नहीं है, उनके पास तो हजारों लोगों करोड़ों की जिम्मेदारी है। हालांकि डीएम साहब का दावा है कि इलाज में कोई कोताही नहीं बरती गई। नहीं देखिए, डॉक्टर अगर उनको वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं और यथासंभव उन्होंने पूरी दवा दी है, डॉक्टर से भी यहाँ बात की गई है, अभी डिटेल रिपोर्ट डॉक्टरों की टीम से बैठ करके मैं उसकी पूरी समीक्षा करूँगा और इस पेशेंट के बारे में। चलिए मान लेते हैं कि डीएम साहब सच बोल रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या इंजीनियर राजीव दुबे को प्लाज्मा थेरेपी दी गई? डीएम साहब जी, प्लाज्मा थेरेपी दी कैसे जाती, क्योंकि यहाँ तो बिना सिफारिश के इलाज कराना संभव ही नहीं है। ऐसा हम नहीं, खुद इंजीनियर साहब के भाई और बीजेपी नेता संजय द्विवेदी चीख चीख कर कह रहे हैं, यहाँ पे जिसका सोर्स है, जिसका पौआ है, जिसका जो काम है वो काम हो, जिसका सोर्स नहीं उसका कुछ नहीं है। आपको मेरे बारे में अगर पूछना है तो जितने नेता ऊपर बैठे हैं, सत्य पचौरी, भोले सिंह, जितने भी बैठे हैं सब जानते हैं। हमारा नाम संजय द्विवेदी नाम है, ठीक है। आज मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश कार्यालय में रहकर अगर मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया तो ऐसी बीजेपी को मुझे कोई जरूरत नहीं है। कानपुर में कोरोना का कोहराम इस कदर मचा है कि बीते एक दिन में 15 मरीजों की मौत हो गई। शहर में कोरोना विस्फोट के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे हैं। साथ ही कुछ और आज यहां डेथ हुई है, जो वेंटिलेटर पर जा चुके मरीज थे, तो वेंटिलेटर के मरीजों को कई बार पूरे प्रयास के बावजूद वेंटिलेटर से वापस आने में काफ़ी कठिन इलाज रहता है। और चूंकि कानपुर जैसे महानगर में मरीजों की बड़ी संख्या है और उतनी मात्रा में अभी हमारे पास वेंटिलेटर पर इलाज की सुविधा, एक साथ अगर ज्यादा मरीज आ जाए तो उतनी नहीं है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,600 से ज्यादा मामले बढ़े हैं। अब तक 2,028 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में कानपुर, लखनऊ, नोएडा और आगरा सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में लोगों को मास्क और 2 गज की दूरी का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। रंजय सिंह, कानपुर आज तक। और अब बात चीन की, जिसकी नई साजिश का खुलासा हुआ है, वो साजिश जिसके जरिए ड्रैगन भारत में कुदरती तबाही मचाने की फिराक में। बिल्कुल, और चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर एक के बाद एक बड़े बांध बना रहा है। कुछ बांध तैयार हो चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। चीन की ये साजिश अगर कामयाब हो जाती है तो भारत में बाढ़ और सूखे जैसे हालात करने में वो कामयाब हो सकता है। श्वेता, चीन के इसी खुराफाती दिमाग की आज हम करने जा रहे हैं स्कैनिंग। जी हां, देखिए चीन की डैम वाली साजिश का खतरनाक प्लान। बाढ़ की हाहाकारी तस्वीरें इसी साल की हैं। चंद दिनों की मूसलाधार बारिश में पानी पानी हो गए थे असम और बिहार के कई शहर। चीन से भी अब ऐसा खतरा सामने आ रहा है। तिब्बत में चीन की हरकतों से ड्रैगन की पानी वाली साजिश की गंध आने लगी है। आज तक ने गूगल अर्थ इमेज के जरिए पूरे इलाके का लेखा जोखा लिया तो सुदूर इलाके में डैम के जरिए चीन की चौंकाने वाली साजिश का खुलासा हुआ। भारत के खिलाफ फ्लैश फ्लड की साजिश, डैम के पानी से डुबोने की साजिश, पानी का रास्ता मोड़कर सूखे की साजिश, भारत के खिलाफ ड्रैगन की खतरनाक साजिश। चीन की डैम वाली साजिश का खुलासा पिछले कुछ सालों से लगातार हो रहा है। इन खुलासों में अब कुछ नई कड़ियां जुड़ गई हैं। अरुणाचल से सटे तिब्बत में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 8 नए बांध बनाने की रफ्तार तेज कर दी है। इन बांधों के बनने के बाद महज चंद किलोमीटर के दायरे में चीन के 11 बांध हो जाएंगे। ये 8 बांध 10 साल के भीतर तैयार हो जाएंगे। ये बांध बायु, जिक्सी, लांगटा, दापका, नांग, टेमो, नामचा और मैटोल इलाके में बन रही है।
सैटेलाइट इमेज से जाहिर होता है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जहां बांध बना रहा है वहां बहुत ज्यादा रिहायशी बस्तियां नहीं है। यहां की आबादी की बिजली की मांग एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम से पूरी हो सकती है। फिर इतने बांध यहां क्यों बना रहा है चीन? इसके पीछे क्या है उसकी नीयत? सिर्फ बिजली तैयार करना या कोई और साजिश? बताया जाता है कि सुदूर इलाकों में इन बांधों का मकसद तिब्बत में बिजली तैयार कर चीन के मुख्य शहरों में भेजना है, यानी तिब्बत में बिजली तैयार होगी और चीन के दूसरे प्रांतों में उसकी सप्लाई होगी। ब्रह्मपुत्र नदी पर ताबड़तोड़ बांध बनाकर चीन इलाके में पानी को कंट्रोल करना चाहता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके। चीन के साजिश को कामयाब होने दिया गया तो ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर भारत के राज्यों में चीन अपनी मर्जी से कभी बाढ़ थोप सकता है तो कभी पानी का रास्ता मोड़कर इन इलाकों में सूखा ला सकता है। आप जानकर हैरान होंगे कि महज 10 साल के भीतर चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 बड़े बांध बना चुका है। चौंकाने और खतरे वाली बात यह है कि ये तीनों बांध सिर्फ 24 किलोमीटर के दायरे में है। ये सभी बांध चीन के लोखा प्रांत में बने हैं। हालांकि सरकारी सूत्रों का कहना है कि चीन की डैम वाली साजिश पर सरकार की बेहद करीब से नजर है। लद्दाख में चीनी फौज के साथ जारी तनाव को देखते हुए चीन की एक एक हरकतों पर शक की गुंजाइश बढ़ गई है। खास तौर पर ब्रह्मपुत्र नदी में बड़े पैमाने पर डैम निर्माण की अनदेखी नहीं की जा सकती है। चीन ने पिछले कुछ सालों में तिब्बत में अपने बांधों के निर्माण में बहुत तेजी दिखाई है। इसके चलते ये माना जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र के पानी पर चीन नियंत्रण पा सकता है। यही कारण है कि सूत्रों का कहना है कि इन निर्माणों में हर गतिविधि पर भारत निगरानी बनाया हुआ है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। चीन की चालाकी और चालबाजी को भारत बखूबी जानता है, इसलिए दुश्मन को देसी अंदाज में अब करारा जवाब दिया जाएगा। उसकी अकड़ भारत में बने हथियारों से ही तोड़ी जाएगी नेहा। बिल्कुल, और प्लान बनकर तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान भी किया है कि आने वाले 4 सालों में दुश्मनों के लिए वो हथियार बनने जा रहा है जिसकी तोड़ उसके पास नहीं है। मीनाक्षी, और देखिए 4 सालों में मशीन गन से लेकर मिसाइल तक सब भारत में बनेंगे। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। अब देसी हथियारों से अपनी रक्षा करेगा हिंदुस्तान। न चीन करेगा हिमाकर, न साजिश रच पाएगा पाकिस्तान। हिंदुस्तानी हथियारों को देख दुश्मन हो जाएगा हैरान। दुनिया को सबक सिखाने का हिंदुस्तान ने किया ऐलान। अब ऐलान हो चुका है खुद को मजबूत बनाने का, आत्मनिर्भरता की जमीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा का पौधा लगाने का, सैन्य नीति और विदेश नीति के मोर्चे पर और मुस्तैद हो जाने का। यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत किया गया है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। दरअसल लद्दाख में जब से चीन के साथ भारत की तनातनी बढ़ी है तब से हिंदुस्तान ने कई मोर्चों पर मुस्तैदी दिखाई है। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक ने लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया, जवानों की हौसला अफजाई की और दुश्मन को साफ साफ शब्दों में चेतावनी भी दे डाली। हम शांति चाहते हैं, हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की।
लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहे। रक्षा मंत्रालय ने फिलहाल सेनाओं से जुड़े 101 अहम उपकरणों और हथियारों का आयात न करने का फैसला किया है। इनमें मशीन गन भी है तो मिसाइल भी है, टैंक भी है तो पनडुब्बी भी है। इस फैसले के मुताबिक भारत 101 सैन्य उपकरणों को खुद बनाएगा। इनमें रडार, हल्के जंगी हेलीकॉप्टर और रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी भारत में ही बनेगी, तो टैंक, राइफल और परिवहन जहाज का निर्माण भी यही होगा। इसे जल्द ही लागू किया जा रहा है, इसलिए 69 उपकरणों के आयात पर तो दिसंबर 2020 से ही रोक लग जाएगी। पूरी योजना पर अमल के लिए 52,000 करोड़ का फंड जारी कर दिया गया है। ये छोटे मोटे आइटम नहीं है, इसमें आर्टिलरी गन्स, असॉल्ट राइफल्स, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, बैलिस्टिक हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, कन्वेंशनल सबमरीन, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, यू हैव रेडार इक्विपमेंट, यू हैव कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, यू हैव एमिनेशन, बहुत सारा सामान है। इससे इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अब इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ने ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और आर्म फोर्सेस को वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट देने की काबिलियत रखनी चाहिए। नए ऐलान का संदेश साफ है, एक तरफ हिंदुस्तान सैन्य तैयारियों में पूरी ताकत झोंकता रहेगा और दूसरी तरफ वो अपनी कंपनियों की नींव मजबूत करेगा ताकि आयात की मजबूरियां उसे परेशान न कर सके। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं के लिए विदेशों से खरीदे जाने वाले जिन हथियारों की खरीद पर रोक लगाई है उसमें आर्टिलरी गन से लेकर असॉल्ट राइफल और रडार जैसे छोटे बड़े हथियार शामिल हैं। मतलब साफ है आने वाले दिनों में तीनों सेनाओं के लिए विदेशों से खरीदे जाने वाले हथियारों की खरीद पर निर्भरता को कम करना है। सरहद पर चीन और पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात को देखते हुए ये भारत सरकार की मेक इन इंडिया के जरिए एक लंबी सामरिक रणनीति का हिस्सा है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजित नेगी, दिल्ली आज तक। वही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने चीन प्रेम के लिए जाने जाते हैं। पहले भी उत्तराखंड के कुछ इलाकों को अपना बताया, फिर राम को ही नेपाल का बता दिया। मीनाक्षी, बिल्कुल। और देखिए नेहा, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, आप जब अयोध्या में भव्य मंदिर पूजन को लेकर ओली ने भारत को लेकर एक और दाव खेला है तो ये दाव भी अपने आप में विवादों में आ गया है। अयोध्या का बिल्कुल, ये बात अपने आप में अजीब है, लेकिन फिर भी जो खबर है वो आपको बता दें, उन्होंने दरअसल नेपाल में भी राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ठीक उसी जगह पर जहां उनके मुताबिक और जो वो दावा कर रहे हैं कि वहां पर राम का जन्म हुआ था। पांच अगस्त को अयोध्या का इतिहास बदल गया। शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के साथ ही 500 साल से चली आ रही करोड़ों लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई। लेकिन लगता है कि राम भक्तों की इस खुशी से चीन भक्त नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बुरी तरह झल्ला गए। चीन की गोद में लगातार खेल रहे नेपाल के प्रधानमंत्री ने पहले हमारे आराध्य भगवान श्री राम पर ही नेपाल का दावा किया था और अब इस ओर एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के तुरंत बाद उन्होंने नेपाल के ठोरी में राम मंदिर बनाने का फैसला ले लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने काठमांडू में स्थानीय नेताओं को तलब किया और ठोरी के पास अयोध्यापुरी में राम मंदिर बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही माडी के पास वाल्मीकि आश्रम और लवकुश के जन्म स्थान भी विकसित करने को कहा गया है। इसके लिए स्थानीय प्रतिनिधियों को प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ये नेपाल के ठोरी के पास अयोध्यापुरी की तस्वीर है। ये वही इलाका है जहां नेपाल के प्रधानमंत्री ने श्री राम के जन्म का दावा किया है। इस इलाके की हालत देखिए, आबादी बेहद कम है। मंदिर के नाम पर पत्थर के अवशेष दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग यहाँ पूजा भी करते हैं लेकिन किसी के पास कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली भगवान श्री राम का जन्म स्थान नेपाल में बताकर
एक नया विवाद खड़ा करना चाहते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भारत से संबंध विच्छेद करने की कोशिश उनकी पहले से चल रही थी, लेकिन धार्मिक आस्था के आधार पर उन्होंने ये नया प्रपंच रचा है और कहा है कि नेपाल के अयोध्या पुरी में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। पिछले ही महीने 14 जुलाई को केपी शर्मा ओली ने नेपाल में भगवान राम का जन्म स्थान होने का दावा किया था। केपी शर्मा ओली फरमाते हैं कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है। अयोध्या वाले को बीच में जाना अलग वर्ष बैठे को काम पहले अयोध्या नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के मोह में दोनों देशों के धार्मिक सांस्कृतिक और रोटी बेटी के संबंधों को तार तार करने में जुटे हैं। नेपाल में पहले ही राम मंदिर के उनके दावों पर जमकर विरोध हुआ था। सोशल मीडिया में नेता अपने ही प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे थे। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने ओली के बयान पर व्यंग करते हुए लिखा था, आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने पीएम ओली के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने लिखा, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान देना उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि पीएम ओली भारत और नेपाल के रिश्ते और बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन लगता है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इन आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी अपने कुतर्क पर टिके हुए हैं। समझना मुश्किल नहीं कि नेपाल में अपने खिलाफ हुए बगावत को दबाने में उन्हें चीन का साथ मिल रहा है और वो अब चीन को खुश करना चाहते हैं और इसके लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। लेकिन अब भगवान राम तक पहुंच गए हैं और धार्मिक खेल खेल रहे हैं। ये खेल उन्हें महंगा भी पड़ सकता है। पटना से सुजीत झा और दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। और अब खबर आपको दिखाते हैं बाढ़ को लेकर। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह का संकट है, 6 से ज्यादा राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है। श्वेता, बिल्कुल, मूसलाधार बारिश से कई राज्यों में संकट गहरा गया है और सबसे गंभीर हालत इस वक्त कहीं की है तो वो है केरल में। बिल्कुल, और केरल की तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि वहां पर हालात कितने ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ हालात पर चर्चा भी हो रही है और एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जहां जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रभाव है वहां पर तुरंत एक्शन लिया जाए। उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ से बेहाल हो चुका है देश। जिंदगी पर संकट मंडरा रहा है, आशियाने डूब रहे हैं, सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। ये लहरें लोगों की जान पर बनाई है। देश के कोने कोने में हाल बुरा है, लेकिन सबसे गंभीर हालात है केरल में। केरल की ये तस्वीरें देखिए, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें कोट्टायम की है। जिधर देखो पानी ही पानी है, दूर दूर तक मूसलाधार बारिश के बाद संकट दिख रहा है। इसी कोट्टायम के मनारकड्डू में एक कार सवार बाढ़ की लहरों में बह गया। उसे बचाने के लिए कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 4 फीट से ज्यादा पानी में डूबकर बचाव दल ने कार सवार को बचाने की जीतोड़ कोशिश की। रेस्क्यू बोट के जरिए बचाव कर्मी कार सवार तक पहुंचे, फिर रस्सी बांधकर कार को बाहर निकालने की कोशिश हुई। कई घंटों की मेहनत के बाद कामयाबी मिल पाई। कोट्टायम का यह इलाका मूसलाधार बारिश के बाद डूब चुका है। सड़कों पर भी 2 से 3 फीट पानी है। घर, बाजार, सब जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश की वजह से, जो यहाँ के वाटर की फोर्स की वजह से एक रोड की बहुत एक बड़ी पार्ट यहाँ पे रोड हो गई है, टूट गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं।